हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। दोस्तों, हम आपको निवेश की राय भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक की। आज इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल गया है और इस स्टॉक में नियरली 6% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। और ये जो स्टॉक है 1629 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अब आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न भी देखेंगे। देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, सपोर्ट लेवल क्या होंगे, रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यदि 5 डे की लास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल गया है। 32% के अराउंड लास्ट 5 डेज में इस स्टॉक में तेजी जो है वो देखने को मिल चुकी है। और यदि इसका 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। 67.69% के अराउंड रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया लीनियर ग्रोथ पैटर्न इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल गया है। और यदि इसका 6 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे नियरली 51% के अराउंड रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख लेते हैं, 1 ईयर का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे और अच्छे रिटर्न्स देख लेते हैं और 76.53% के रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने लीनियरली रिटर्न्स बना के दिए हैं। जहाँ पे भी आपको कभी तेजी देखने को मिलेगी, कभी इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी और कभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। 5 ईयर का डाटा देखें तो 358% के मल्टी बैग रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी इसके चार्ट में आपको जो है वो वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है 5 साल में 4 टाइम से भी ज़्यादा कर दिया है। और आइए इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो मैक्सिमम भी इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। 1483% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए इसकी लेटेस्ट न्यूज़ चेक कर लेते हैं कि आजकल इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो HDFC सिक्योरिटीज़ इस पर बहुत ही ब्यूलिश हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं एंड आल्सो दे आर गिविंग ए पॉजिटिव टारगेट ऑन दिस स्टॉक। तो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस स्टॉक पे बाई कॉल दी गई है। आइए इस न्यूज़ को भी थोड़ा डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज़ का इस स्टॉक पर क्या कहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके नए टारगेट निकल कर आ रहे हैं। HDFC सिक्योरिटी की तरफ से एक्सेल इंडस्ट्रीज पे बाई कॉल दी गई है एंड इसके यदि टारगेट देखें तो 1795 के टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे आपको, ऐसा कहना है एक्सेल HDFC सिक्योरिटीज का। तो बहुत ही ब्यूलिश टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के थोड़े और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो यदि टाइम पीरियड देखें तो इसका 6 मंथ का है, जब ये जो स्टॉक है अपने टारगेट को हिट करता आपको दिख सकता है। तो आइए इस कंपनी के थोड़े डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है 1960 में शुरू हुई थी एंड ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखिए तो 1968 करोड़ का है और ये जो कंपनी है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो है वो काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के यदि रेवेन्यू सेगमेंट देखें तो दिस इंक्लूड्स केमिकल इंटरमीडिएट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, एग्रोकेमिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स के इस कंपनी के जो है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके फाइनेंशियल डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, दैट इज़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द 31 दिसंबर 2021, इसकी जो टोटल इनकम थी दैट वाज रिपोर्टेड टू बी 358 करोड़। एंड यदि लास्ट क्वार्टर की टोटल इनकम देखें तो 233 करोड़ की है। यहाँ पे 53% का जंप देखने को मिल गया है ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी इस कंपनी के इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है। 65% के हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है, इसकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिल गई है। यदि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो दैट इज़ रिपोर्टेड टू बी ₹77.85 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में अच्छा मुनाफा भी कमाया हुआ है। तो यदि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर्स के पास 52% का स्टेक है, FIIs के पास 0.27% का स्टेक है और DIIs के पास 7.35% का स्टेक है। तो बहुत ही बढ़िया मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो आइए इसके नंबर्स थोड़े डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि इस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें लेटेस्ट क्वार्टर के,
तो दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव। इनकम हमने आपको बता दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रही है। पहले मार्च 21 के नंबर्स आप देख सकते हो, इसके रेवेन्यू में, नेट इनकम में, ईपीएस, मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम, सारे फाइनेंशियल पैरामीटर पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं इन द मार्च 2021 ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यदि जून 21 के नंबर्स देखें, अगेन जहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल गया है एंड ऑल द फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर शोइंग एक्सेलेंट ग्रोथ ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आइए इसके सितंबर 21 के नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छा पैटर्न देखने को मिले था, रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ है, इनकम भी 3.16% की ग्रोथ है, मार्जिनली इंक्रीज शो कर रही है, ईपीएस में थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिली थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम आपको जरूर नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहे थे, तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड देखने को मिले था। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स फिर बहुत ही बढ़िया आए हैं, तो इसीलिए ही आजकल इस स्टॉक में फिर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल गया है। क्योंकि सितंबर के नेगेटिव नंबर्स आने के बाद, मिक्स नंबर आने के बाद, अब फिर इसके जो दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। रेवेन्यू में 64% की ग्रोथ है, नेट इनकम में 197% की ग्रोथ हुई है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी 197% के हिसाब से बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 81% की ग्रोथ देखने को मिली है, ऑपरेटिंग इनकम में भी आपको 187% की ग्रोथ देखने को मिल गई है। तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है और ये जो कंपनी है 1941 में शुरू हुई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसके 1015 है एज पर 2021 डाटा। तो यदि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शेयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें, तो क्योंकि इसके नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं, तो इसलिए इसके शेयर में भी आजकल ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। तो यदि इसके मार्च 21 के नंबर्स भी पॉजिटिव रहते हैं तो इस स्टॉक में और भी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज का कहना है 6 मंथ में ये जो स्टॉक है 1795 के टारगेट आपको हिट करता दिख सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, धीरे धीरे करके इसमें एकोमोडेशन कर सकते हो। इसमें जैसे ही कोई डिप मिलता है तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और एवरेज करके ही इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी लंपसम में इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही रिस्की है, कभी भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आइए यदि इसकी वैल्यूएशन देखें तो इसकी जो TTM PE रेशो है वो 15 की है, सेक्टर की PE रेशो 54 की है, सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी भी ये जो स्टॉक है आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। प्राइस टू बुक रेशो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2.41 की है। और यदि इस कंपनी के लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न देखें, पहले इसका वॉल्यूम का डाटा भी चेक कर लेते हैं, तो प्राइस की परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो कर रही है लास्ट 1 ईयर से। आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है 6 लाख का, कल 4 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 4 लाख का है और 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख का है। तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल गया है इन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टॉक। तो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, नेट सेल्स का डाटा जो है वो भी बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। इसकी जो कंसोलिडेटेड नंबर्स आए हैं नेट सेल्स के, उसमें 64% की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिली है। सो ऑल द फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर शोइंग एक्सलेंट ग्रोथ। तो यदि लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें, लास्ट 5 ईयर का पैटर्न देखें, 17 से लेकर 21 तक इस कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 17 में इसका जो रेवेन्यू था 462 करोड़ था, जो कि 21 में बढ़ के 749 करोड़ हो गया है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे भी ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट 2 ईयर से आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल गया है। तो ओवरऑल इसके नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। यदि इसका शेयर होल्डिंग देखें, प्रमोटर्स के पास 52.49% का स्टेक देखने को मिल रहा है, FIS के पास 0.27% का स्टेक है, DIS के पास भी 7.35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 39.88% का स्टेक है। और यदि इसकी होल्डिंग चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो होल्डिंग है वहाँ पे जो FIS हैं उनकी होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज हो गई है। आप देख सकते हो दिसंबर 21 में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन FIS की होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ रही है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यदि इस कंपनी की वैल्यूएशंस डिफरेंट पीयर्स के साथ कंपेयर करें, पहले तो ये जो कंपनी है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो है, नियरली जीरो आप कह सकते हो। तो ये जो कंपनी है नियरली डेब्ट फ्री कंपनी आप कह सकते हो। वैल्यूएशंस आर आल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव, PE रेशियो 15 की है, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, प्राइस टू बुक रेशियो भी लोएस्ट है और ROE परसेंटेज इज आल्सो डिसेंट।
तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको ये जो स्टॉक है वो मिल रहा है। डेब्ट फ्री कंपनी है ये, एक फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, और टेक्निकल्स भी अब बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल गया है। लेकिन आप इसको डिप में ही खरीदें, जैसे ही इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस स्टॉक को आप अपनी धीरे धीरे एक्युमुलेशन कर सकते हो। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद द न्यू वीडियो, न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया। इसका जो टारगेट है हमने आपको बताया है 1800 का लेके चल सकते हो फॉर द 6 मंथ एज पर द HDFC सिक्योरिटीज। सो थैंक्स अगेन, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा।